क्या बढ़ती उम्र के साथ आपके पेट में भी गैस बनने लगी है? क्या आप कुछ भी डर डर कर खाने लगे हैं कि कहीं आपका पेट खराब ना हो जाए? क्या बाहर से लेकर हाजमे की गोलियां खाकर भी नहीं हो पा रहा है आपका पेट साफ? अगर आपको भी ये समस्याएं झेलनी पड़ रही है तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ पेट और उससे जुड़े दूसरे अंगों में किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें आना आम बात है। 40 से 60 वर्ष की आयु में लोगों को इस तरह की कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे कि कब्ज, जिसमें आंतों की गति धीमी होने के कारण स्टूल पास करने में परेशानी होती है, साथ ही पेट की गैस की परेशानी और मेटाबॉलिज्म की कमी से भूख कम हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने उम्र के साथ पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में तो जान लिया, अब इन समस्याओं के पीछे के कारण क्या है? तो देखिए, उम्र बढ़ने के साथ पाचन तंत्र में भी कुछ बदलाव होते हैं, जैसे कि मांसपेशियों की कमजोरी और पाचन नली की गति में धीमापन। साथ ही इस एज में डायबिटीज, हाई बीपी और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियां भी आम हो जाती हैं, जो पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी, अब मिडिल एज में शारीरिक गतिविधि की भी कमी आ जाती है जो पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। लेकिन अगर इन समस्याओं से जुड़े घरेलू उपाय किए जाएं, तो काफी हद तक इनसे होने वाली दिक्कतों से बचा जा सकता है। ऐसे में आइए हकीम साहब से जानते हैं इस समस्या के आसान घरेलू उपायों के बारे में। अच्छा, देखिए, इस उम्र में ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी होती है, तो एक ऐसा नुस्खा भी है कि अगर आप आज से शुरू करें तो आज से या कल से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, और बहुत पुराने मरीज भी इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए, अलसी लीजिए 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह अगर खाली पेट खाएं तो बहुत अच्छा, और शाम को भी ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर आप इसे महीना दो महीना लेंगे तो आपकी पेट से ताल्लुक़ रखने वाली समस्याएं हल होना मुमकिन है।